हाँ जी, तो ये है 2023 की बलेनो डेल्टा, डेल्टा वेरिएंट है। इसके अंदर अलॉय वलॉय सब कुछ लगे हुए हैं और पूरा अच्छा, ओवरऑल अच्छा पैकेज निकला हुआ है। मतलब जैसे हम जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से सारी चीज़ें इसके अंदर है अभी के लिए। इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, इससे पहले ही डाली होगी मैंने मोस्ट प्रोबेबली, जितना मेरे को पता है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इस और अगली वीडियो आएगी रैपिड की, रैपिड डीजल की, और वो भी ऑटोमेटिक वाला है, उसकी टेस्टिंग का। ये है पेट्रोल गाड़ी, और जैसे कि आपको पता है मारुति पेट्रोल ही निकालती है, और वो उसके अंदर एवरेज कितनी शो कर रही है अभी ये मैं आपको बता देता हूँ, और रेंज कितनी रह रही है। बेसिकली मैं हाफ टैंक तक ही रखता हूँ, बट इस बार मैंने जानबूझ के पूरा यूज़ किया, जिससे आपको एक अभी भी दो बार ये दिखा रही है, एंड ये रही रेंज 61 किलोमीटर की, और ये 21.2 की एवरेज अभी शो कर रही है। और ये ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट होती रहती है, ये इंस्टेंट वाली नहीं है, ये वो है जो आप लॉन्ग टर्म पे इसमें से एवरेज निकल रही है। और बेसिकली इसका यूज मेरी मदर ज्यादा करती है, बिकॉज उनके लिए ही ये गाड़ी ली गई थी। तो क्यों ली गई थी, मतलब और क्या क्या ऑप्शन देखे थे, वो भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियरली सब बता दिए थे। अगर आपको कोई डाउट हो कि अगर आप पे ये गाड़ी सूट होगी, सूट इन सेंस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी, तो वो आपको उस वीडियो में शायद आंसर मिल जाएगा। अभी चलते हैं अपन फ्यूल स्टेशन पे, वहां पे जाके अपन पूरा एकदम टॉप तक फिल करवाएंगे, उसके बाद 100 किलोमीटर यूज करेंगे इसको, सिटी एंड हाईवे का मिक्सचर जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि कितने परसेंट क्या था क्या नहीं, और उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि भैया एवरेज क्या निकाल के देती है। अगर देखा जाए तो ये i20 का जो पेट्रोल इंजन आता है नॉन टर्बो वाला, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की जी। तो अब अपन चलते हैं जल्दी से पेट्रोल पंप पे, और वहां पे जाके फुल टैंक करवाते हैं एकदम ऊपर तक, ब्रिम तक मैं भरवाऊंगा, और उसके बाद 100 किलोमीटर चला के एंड वापस फ्यूल अप करवाएंगे, अपन को आइडिया हो जाएगा भैया कि ये कितनी एवरेज दे रही कितनी नहीं। तो एक बार यहाँ पे चल के फुल करवा लेते हैं। इसकी 37 लीटर की ही टैंक कैपेसिटी है, 37-40 लीटर के आसपास आता है इसके अंदर, और बड़ी छोटी सी टैंक है तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए काम। फुल कर दो, फुल देख लो, 108.19। हाँ किलोमीटर, इसके 10,000 किलोमीटर वाले सर्विस भी मैं कल करवा दूंगा, उसका भी रिव्यू आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी एवरेज का भी, एवरेज का भी दिखा रहा है, कर दिया, चलो 734 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है ये 37 लीटर में, जो कि बहुत अच्छी है, और वो भी पेट्रोल की। तो देखते हैं एक्चुअली ये कितना निकालती है भाई साहब, कभी टेस्ट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली एवरेज तो अच्छी निकाल ही रही है, सच कोई दिक्कत है नहीं मेरे को, तो टेस्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं कि भैया कैसा रिजल्ट रहता है। 2 days later। हाँ जी, तो अब गाड़ी कुछ चल चुकी है 166.6 किलोमीटर। पहले मैंने सोचा था 100 किलोमीटर पे ले आऊंगा, बट फिर मैंने सोचा एक अच्छी एवरेज, मतलब एग्जैक्ट एवरेज टाइप जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको 201 किलोमीटर की ड्राइविंग में आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ये पूरी प्योर सिटी ड्राइविंग थी, तो अभी उसी पेट्रोल पंप पे आया हूँ, जल्दी से फुल करवा लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। और अभी शो कर रही है ये एवरेज, मैं आपको दिखा देता हूँ, 20.7 की, देखते हैं कितनी निकलती है, इसके आसपास क्या नंबर आता है, लेट्स सी। फुल कर दो। वैसे तो भरी हुई है टंकी, बट देखनी कितनी।
और कर दो कार्ड से करने के ठीक है। हाँ जी, तो अब मैंने फुल करवा ली है और मेरे को आज पता चला है कि भाई साहब इसमें ये जो 20.6 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज दिखा रहा है ये गलत है, गलत इंसेंस, मतलब इस दो पॉइंट गलत है। ये अभी मेरे को 18 की एवरेज निकाल के दिए 17.9 की, या एक या 1.5 की आप मान लो मिस्टेक है इसके अंदर मीटर के अंदर, तो ये शो ज़्यादा करती है और निकालती कम है। और पूरे प्योर सिटी में यूज़ करा है इस गाड़ी को अभी इन रिसेंटली इस टेस्ट के लिए, कहीं भी हाईवे पे नहीं चली, 166.9 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और आप देख सकते हैं अभी जो पेट्रोल डला है वो 9.39 लीटर्स डला है, तो ये 166.9 को 9.39 से डिवाइड कर लीजिए, समवेयर अराउंड 17.9 या 18 की एवरेज आई है, 18 की एवरेज निकल के दी है, विच इज़ मेरे लिए सफिशेंट है, मेरे को कोई उससे कंप्लेन नहीं है। सिटी के हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज है, I-20 की तो इसके आसपास तक भी नहीं आती है, सिटी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। और हाईवे का इसका टेस्ट मैंने कभी किया नहीं है, तो जब भी ले जाऊँगा तब मैं टेस्ट करके आपको ज़रूर बता दूंगा, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। और दूसरी चीज़ ये मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट सर्विस से पहले भी इतनी एवरेज देती थी, फर्स्ट सर्विस के बाद भी इतनी एवरेज दे रही है, वो तो बाय लक हो गया कि टेस्ट के बीच में अपन को सर्विसिंग भी करवानी पड़ी थी, तो सर्विसिंग भी करवा के मैंने रख ली थी गाड़ी को, मतलब समवेयर अराउंड 60 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी उस टाइम, मैंने सर्विस करवा ली थी, उसके बाद 100 किलोमीटर और चली है। तो ये टेस्ट एक तरीके से मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद का भी हो गया और फर्स्ट सर्विस से पहले का भी टेस्ट हो गया, दोनों के टाइम इतनी एवरेज शो कर रही थी है और 18 के एवरेज निकाल के दिए, जो मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।